नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए स्पाइसी एसेंडेंट के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा? देखिए ये महीना बेसिकली थोड़ा बैक साइड चलते हैं, 1 जुलाई से 24 अगस्त के पीरियड को चलते हैं आपके। कोई बहुत बड़ा आपने हो सकता है ट्रैवलिंग प्लान कर दिया हो, या तो फॉरेन जाने का मौका मिला, या कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग 24 अगस्त तक आपने किया होगा, करना है आपको। अब 25 अगस्त से 22 सितंबर तक आपके पत्नी का जो परिवार है उसके साथ का, आपका पत्नी या पति उनके साथ का कनेक्शन आपका बहुत मजबूत बनेगा 25 अगस्त से 22 सितंबर तक। थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा। ओवरऑल पिक्चर तो देखिए मैंने हेडिंग लिखा है विवाह योग एंड पब्लिक रिकग्निशन, मतलब बहुत बड़ा जाहिर जीवन में पब्लिक लाइफ में आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है। और ये विवाह का योग है, पार्टनरशिप का कोई ऑफर भी आ सकता है बिजनेस में, तो ये मैं बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं ऐसा बोल रहा हूँ, और वो भी लास्ट वीक में, मतलब 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपको, मतलब सितंबर महीना आपको 23 सितंबर के बाद, लास्ट वीक ऑफ सितंबर 23 सितंबर से उसके पहले थोड़ा आपको लिफ्ट कर देगा, ऐसा लिफ्ट कर देगा। क्योंकि देखिए गुरु का भी एस्पेक्ट है आपके लग्न, लग्न में गुरु है सप्तम को देख रहा है। दोज हु आर ट्राइंग फॉर मैरिज उनके लिए बेस्ट है। मैं बहुत बार देखिए कन्या लग्न वाले, मीन लग्न वालों को देखता हूं, आपके पास गुरु का ज्ञान और शुक्र का आनंद दोनों है। ऐसा गुरु का ये लग्न है मीन लग्न, और उसमें शुक्र उच्च का होता है। इसमें जैसे मीरा, जब मीरा की जो भक्ति है वो मीन राशि में आप ले सकते हो, मीन राशि की होंगे मीरा, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है वो बारे में। क्योंकि इसमें ज्ञान है गुरु का और शुक्र का आनंद भी है, यानी कि ये संगीत का भी बहुत इफेक्ट है ये मीन लग्न के ऊपर। अब गुरु आया है लग्न में तो ये आपके बहुत सारे रुके हुए काम ये सब क्लियर करता जाएगा। और उसमें देखिए ये लग्नेश, और लग्नेश लग्न में है सप्तमेश सप्तम में, तो विवाह के लिए बेस्ट है, पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है, घर लेने के लिए, घर के लिए मतलब पार्टनर को समझने के लिए एक बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। 21 अगस्त से 25 अक्टूबर में एक बेस्ट टाइम से गुजरेंगे आप पार्टनर को समझने के लिए। आपका स्पाउस है बहुत बजटिंग करने वाला स्पाउस है, और यानी कि पहले ही प्लानिंग करेगा, आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, या कहीं भी जीवन भर आपका जो पैसा आप जो कमाते हैं उसमें 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया बचा के देने वाला स्पाउस है आपका। आपके मैरिज लाइफ का सबसे बड़ा ताकत है आपका व्यवहारिक और प्रैक्टिकल स्पाउस, कभी बोलेगा नहीं, आपके घर में खाना नहीं बना होगा तो बाजू के घर में पता भी नहीं चलेगा, ऐसा आपको वो संभाल के लेने वाला स्पाउस है। यानी कि आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। मैं जब मीन लग्न को देखता हूँ, देखिए एक से ज्यादा घर के मालिक भी होते हैं आप लोग, आपका मैं ज्यादातर देखता हूँ मोर देन वन हाउस भी होता है। मैंने बोला आपको 25 अगस्त के पहले, यानी कि जो अभी ये वीडियो मिला है आपको, 1 जुलाई से 24 अगस्त तक बड़ा लकी टाइम रहा आपके भाई बहन की वैवाहिक जीवन के साथ भी आप कहीं ना कहीं जुड़े रहे, संतान के संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी जो एंजॉय किया है आपने, अगर उम्र मेरे से बड़ी है तो समझो 5-7 साल 10 साल बड़े हैं अगर आप मेरे से, तो 1 जुलाई से 24 अगस्त आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम था। द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन हायर एजुकेशन के लिए स्टडी करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। तो इन शॉर्ट मैं इस महीने को एक बहुत अच्छा महीना समझता हूँ। ये तारीख को कहीं ना कहीं मार्क करके रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर है, थोड़ा मानसिक ये स्ट्रेस देगा आपका पंचमेश 12 में, तो इस दिन आपके संतान के साथ यानी कि बच्चों के साथ हो सके तो विवाद टालिएगा 1 सितंबर को, इसको मार्क कर दीजिएगा कहीं भी कैलेंडर पर। हो सके दिनों में ज्यादा बहसबाजी नहीं करो, अगर नई नौकरी है या नई नौकरी हो सकती है कर्मेश लग्न में, देखिए मौका मिलेगा तो छोड़िएगा नहीं। लास्ट वीक ऑफ 23 सितंबर से 18 अक्टूबर में आपको बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग, बहुत कुछ चीज आपका पॉजिटिव होने वाला है। अब 9 और 10 सितंबर, 9 और 10 सितंबर को कुंभ का चंद्र है, यानी कि ये आपके लिए 12वां चंद्र है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, ये खर्च का टाइम है, किसी से झगड़ा हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए वो टाइम है। 23-24 सितंबर ये कर्ज लेने का टाइम है, खर्च का टाइम है, एक्सपेंसिस का टाइम है। 23-24 तारीख ये एक्सपेंसिस का टाइम है। और 29 और 30 सितंबर को वापस देखिए तुला का चंद्र है, 29 और 30 को, 29
सितंबर और 28 सितंबर, दिस इज 28 एंड 29 सितंबर। ये तुला का चंद्र है 28 और 29 को, ये थोड़ा मानसिक तनाव में रखेगा आपको, ये चंद्र भी आपको, तो इसको केयरफुली नोट करके रखिएगा, थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे। मैंने आपको बताया कि आपके पत्नी के या पति के परिवार से कुछ ना कुछ रिश्ता आएगा आपका 25 अगस्त से 22 सितंबर, रिश्ता मतलब कुछ ना कुछ वहां से कुछ गुड न्यूज दिखाई देगा, कुछ उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। 25 अगस्त से 22 सितंबर तक थोड़ा कोई दुख की घटना भी आपके साथ 25 अगस्त से 22 सितंबर में हो सकती है, मानसिक एक तनाव आ जाएगा थोड़ा छोटा मोटा। लेकिन अगर पप्पा के पास से कुछ मांगना हो, मम्मी पप्पा के पास से वसीयत में कुछ मांगना हो, तो 25 अगस्त से 22 सितंबर बेस्ट रहेगा। यानी कि टू आस्क समवन समथिंग फ्रॉम योर डैड और फ्रॉम योर मॉम, दिस टाइम विल बी द बेस्ट टाइम। अब देखिए, जॉब के लिए मैंने बेस्ट इन द लास्ट वीक बोला है, लास्ट वीक मतलब इस महीने में मैंने 23 सितंबर के बाद आपके सितारे बहुत बुलंद हो रहे हैं, वो 18 अक्टूबर तक बहुत सपोर्ट रहेगा। बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस यस और यस। कर्मेश लग्न में, लग्न लॉर्ड 10th में हो या 10th लॉर्ड लग्न में हो तो बेस्ट टाइम माना जाता है, तो बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस। हेल्थ के लिए 23 और 24 मैंने बताया आपको केयरफुल रहना है, मतलब 23 और 24 को सिंह राशि का चंद्र है आपका, सिंह राशि का लियो का, तो 23 और 24 को आपके, देखिए ये दिनों में बच्चे से विवाद भी टालिएगा, चिल्ड्रन आपकी चाइल्ड से, आपका बच्चा जो है चाइल्ड है, मेल हो या फीमेल हो। अब ये गुरु से आस्पेक्ट है, भगवान की कृपा है, बट वो लोग थोड़े मूड स्विंग करते हैं, आपके चाइल्ड है जो ज्यादा सेंसिटिव है, मूड स्विंग करते हैं, एक जगह पे कंसिस्ट नहीं रहते, ज्यादा फीलिंग्स में आते हैं वो, उनको अभी तो प्रेजेंटली इस साल में कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन इस दिन में उनके साथ विवाद को हो सके तो टालिएगा, क्योंकि ये पंचमेश है आपका, 6, 8 या 12 में जाएगा, संतान के साथ विवाद इन तारीखों में आप टालिएगा। अब इसका उपाय में भगवान शिव मंदिर में जाइएगा, शिव को जलाभिषेक करिएगा, ये तारीख में खास 8 और 23 तारीख पर्टिकुलरली इस दिन प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए तारीख ही अच्छी है। आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन का अगर आप ग्रोथ चाहते हैं प्रदोष का व्रत करिए, बहुत लाभदायक रहेगा आपके लिए। आई सेड हेल्थ के लिए केयरफुल रहना 23 और 24 को, स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, गुरु आपके संतान सन को देख रहा है, संतान से संतान सन को देख रहा है, मतलब आप बहुत टाइम से अगर बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मीन लग्न होगा, कन्या लग्न होगा, और अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये टाइम बहुत अच्छा है, मतलब IVF का ट्रीटमेंट कराने के लिए या कुछ और ट्रीटमेंट से जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो सब कराने के लिए बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस, बच्चे का आने का आगमन के लिए भी बहुत एक अच्छा समय, तो मैं इसको इस समय को आपके इस महीने को सितंबर को वो भी लास्ट वीक से तो बहुत धुआंधार है, बेस्ट टाइम है स्टूडेंट के लिए टू लर्न समथिंग, मैं स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट टाइम समझता हूँ। अगर पर्टिकुलरली देखिए आपकी जबान नहीं खराब करिए, परिवार में कहीं ना कहीं कुछ विवाद तो होगा, बट आपकी जबान को संभालिएगा व्हेन यू स्पीक्स विथ योर फैमिली पीपल। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, सर्वपित्री अमावस है 25 सितंबर को, 25 सितंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, घर के लोगों से विवाद टलेगा। स्टूडेंट है तो हाथ में गुरु का स्टोन पहने हैं तो बहुत अच्छा है, गले में पहन सको तो भी चलेगा, और गुरु का स्टोन लेने का समझो अगर आपके पास पैसा नहीं है। गुरु का स्टोन का नाम है पुष्कराज, येल्लो सफायर या टोपाज, अगर ये पैसे अगर आपके पास नहीं है तो केले का जाड़ का जड़, बनाना ट्री का रूट स्क्वायर टुकड़ा काट के गले में पहनो, वो भी अच्छा फल देगा, या तो आपके रुमाल में हैंडकरचीफ में हल्दी को बांध के रखो, वो आपके पर्स में रखो या जेब में रखो, हल्दी को बांध के अपने साथ रखो तो भी गुरु का फायदा होगा। और नहाते वक्त अगर स्टूडेंट है और आप फेस कर रहे कोई प्रॉब्लम, नहाते वक्त थोड़ा सा हल्दी डाल दो पानी में, पूरा पानी पीला हो जाए, थोड़ा सा टीस्पून नहीं, थोड़ा सा हल्दी, सिर्फ 3 फिंगर से जितना पिकअप कर सकते हो इतना हल्दी पानी में डाल के सुबह सुबह नहाओ, आपके अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक्स करते हो तो थर्सडे को नहीं करिएगा, ये गुरु महाराज लग्न में आया है, ये सब आपको 13 अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक ये बहुत लाभ देकर जाएगा, ये आपको आपका मैरिज लाइफ को भी स्टेबिलिटी देगा, बच्चों के साथ का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा करेगा, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ के रिलेशंस को भी मजबूत करेगा। एंड दिस इज द टाइम, गुरु का स्टोन है तो जरूर पहने, धारण करें, आपके रास्ते में कर्मेश है आपका, कर्मस्थान का स्वामी गुरु है, मतलब सात्विक चीज का व्यापार। 6वें स्थान में सिंह राशि है आपका, नॉलेज
से जुड़ा हुआ नौकरी धंधा, पर्टिकुलरली फाइनेंस से जुड़ा हुआ कामकाज, कर्मस्थान में आपका जो धनु राशि है यानी कि ज्ञान, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग भी आता है यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग होता है, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है, इससे शुक्र बुक्र जैसा ग्रह अगर आपके 10th हाउस में है तो आप शिपिंग कंपनी के साथ भी कामकाज करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है सेजिटेरियस को, यानी कि ये ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कामकाज भी होता है। बेस्ट टाइम अभी चल रहा है आपका, प्यार करते हैं उनके लिए 25 सितंबर बेस्ट, विवाह के लिए तो ये बेस्ट टाइम है ही, छठ मंगनी पट ब्याह करना है तो बेस्ट ही टाइम है उसमें। 25 सितंबर को अगर आपको, 25 सितंबर को कन्या राशि में चंद्र शुक्र का युति आपके सप्तम में, बुध तो ही चंद्र भी आ गया शुक्र भी आ जाएगा और गुरु से दृष्ट है, आपको पब्लिक लाइफ में बहुत सम्मान मिलने वाला है, कोई भी वजह से लोग आपके ग्रोथ को, प्रोग्रेस को नोट करेंगे और 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप एक्सट्रीम लिफ्ट में रहेंगे, ये बात श्योर है। प्यार करते और आपका 25 सितंबर को आप प्यार करते हैं उसको पूछ भी सकते हैं प्रपोज करने के लिए, ये बेस्ट दिन है। ऐसे तो बहुत सारे दिन ढूंढे जा सकते हैं बट ये 25 सितंबर बेस्ट है, पीरियड भी अच्छा है, पंचमेश भी सप्तम में है, प्यार करता है उस स्थान का स्वामी भी सप्तम में, तो मैरिज लाइफ के लिए भी 23 सितंबर से 18 अक्टूबर बेस्ट रहेगा। विवाह के लिए आई हैव सेड यस यस सर यस, यहाँ मैंने विवाह योग लिखा ही है बहुत समय से, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखिए कन्या मीन लग्न को मैंने वैवाहिक जीवन में बहुत प्रैक्टिकल और बहुत टॉकेटिव पार्टनर देखा है, अनजान लोगों से बोलेगा नहीं, आपका स्पाउस को आप ऑब्जर्व करिएगा, घर पे कोई गेस्ट आएगा मेल हो चाहे फीमेल हो आपका स्पाउस, वो बाहर आएगा ही नहीं, लोगों से बोलना पसंद नहीं करेगा, उम्र बहुत छोटा दिखाई देगा, उम्र में आप बड़े दिखाई देंगे, आप शौकीन बहुत है, या वेरी कभी कभी आप अपनी मस्ती में आसमान उठा लेते हैं, आप मीन लग्न पर भगवान की कृपा है, शुक्र की भी कृपा है, ये लग्न बहुत मजेदार लग्न है, इसमें ये गुरु का घर है, मतलब ये मीन राशि को दोनों गुरुओं का, शुक्राचार्य है राक्षसों का गुरु, दैत्य गुरु और देवताओं का गुरु बृहस्पति, ये दोनों ने मीन राशि के चरणों में अपना सर रखा है, ऐसी बात है कि दोनों मीन राशि में गुरु भी अच्छा फल देते हैं शुक्र भी अच्छा फल देते हैं। मैंने बोला ऐसा नॉनवेज ड्रिंक्स वो सब एटलीस्ट थर्सडे को अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपका, आप कितना भी मेहनत करोगे आपका आगे नहीं बढ़ोगे, गुरु लग्न में आया है ये आपको आध्यात्मिक बना के ही छोड़ेगा। शेयर मार्केट यस, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट आपके लिए, मैं ऐसा मानता हूं 5th हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म के लिए शनि भी आपके 5th हाउस को देख रहा है, अब ये दोस्तों की एडवाइस से चलिएगा नहीं, दोस्तों को बहुत सारा पैसा, मैं 2-3 वीडियो में पहले भी ये बात बताया आपको, अभी तो रेट्रो हुआ है सैटर्न एक्वेरियस में वापस कैप्रिकॉन में आया, फिर से ये जनवरी 2023 से एक्वेरियस की तरफ चलना शुरू कर देगा, तो ये बेस्ट टाइम फिर से 12वें शनि में, सो प्लान करिएगा जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये 12वां शनि जाने के पहले प्लान करिएगा, क्योंकि 12वां शनि जाएगा जनवरी 2023 के बाद, 16 जनवरी तक मकर में है, 17 जनवरी से वो शनि 12वां स्थान में चला जाएगा, यानी कि ये खर्च में डालता रहेगा आपको, कोई दोस्त की वजह से पैसा फंस सकता है, बिना लिखा पढ़ी का बहुत बड़ा आंकड़ा आप किसी अपने दोस्त को नहीं दीजिएगा, ये बराबर नोट करिएगा, जनवरी ये 2.5 साल में ऐसा फंसा पैसा नहीं होगा, तो भगवान की कृपा है आप पर, दोस्त का गाइडेंस नहीं मिसगाइडेंस हो जाता बहुत बार, 11th हाउस का शनि, और ये डिले भी करता है मैरिज लाइफ को भी संतान को भी, बट अभी बेस्ट टाइम है गुरु की एस्पेक्ट है, दोज हु आर प्लानिंग फॉर द चाइल्ड आई सेड बेस्ट टाइम। अब देखिए मैंने प्रदोष का बताया 8 और 23 सितंबर, आपके संतान के साथ का ट्यूनिंग नहीं है, आपको संतान हो ही नहीं रहे, तो ये 8 और 23 सितंबर को भगवान शिव मंदिर में जाके शिव को जलाभिषेक करें सुबह, और शाम को भगवान शिव का इवनिंग के वक्त दर्शन करने के बाद शाम को खाना खाएं 8 और 23 सितंबर को। 13 सितंबर 29 सितंबर ये संकष्टी, 13 सितंबर 29 सितंबर विनायक चतुर्थी, आपका कहीं प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है और अगर आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम तो ये बेस्ट दिन है 13 सितंबर और 29 सितंबर। इस महीने में 25 सितंबर को अमावस्या आई सेट, आपके परिवार में अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटी बात में आपने कुछ बोला और उसके लिए विवाद हो जाता है, वो होगा, ये राहु आपके मुंह में राहु है, ये कराएगा आपको अक्टूबर 2023 तक कुछ ना कुछ तो कराएगा, परिवार में विवाद कराए, अपने पत्नी के परिवार से मैंने बोला ऐसा, अभी आपका 25 अगस्त से 22 सितंबर तक वहां भी आप कहीं उलझे होंगे। और देखिए 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है 25 सितंबर तक, ये वो समय है
हम लोग हर शुभ कार्य को हो सके तो इसमें टालते हैं 10 सितंबर से 25 सितंबर में, बट आपका सितारा बहुत बुलंद है, 10 सितंबर से 25 सितंबर में अपने पितरों के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, भूखे को खाना खिलाना है, गरीब आदमी को कपड़े वस्त्र का दान करना है, तो ये बेस्ट टाइम है 10 सितंबर से 25 सितंबर। नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है जो लोग माता जी की पूजा करते हैं। आपका पंचमेश चंद्र है माता जी का स्थान, पंचम स्थान में, संतान स्थान में, ये बेस्ट टाइम, बेस्ट चीज़ है आपके लिए। नवरात्रि का प्रारंभ होगा 26 सितंबर को, आपके घर पे कन्या भोजन कराना है तो बेस्ट टाइम है ये 26 सितंबर से लेकर 9 दिन में, अगले दिन किसी भी फुर्सत के दिन 26 सितंबर से जब भी आपको फुर्सत है 9 दिन के दौरान खाना खाने के लिए फ़ोन कर दो लड़कियों को और बुलाओ, आमंत्रित करो लड़कियों को और खीर पूरी का भोजन कराएं आप उनको, लड़कियों को, और यथाशक्ति गिफ्ट करें, मेहंदी के कोन है, नेल पॉलिश है, बिंदिया है, चूड़िया है, इवन आप स्कूल बैग भी गिफ्ट कर सकते हैं नवरात्रि के दौरान छोटी छोटी लड़कियों को। लड़कियों को गिफ्ट करने से आपके शुक्र को पॉजिटिवनेस मिलेगा। अगर जन्म का शुक्र 6, 8, 12 में है, समझो जन्म का 12 में है तो फलदायक रहता है, लेकिन 6, 8 में है और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है उसका, तो आप कर सकते हैं कन्या भोजन कराने को, मैंने बोला। अब आप इसको लॉजिकली आप देखें, ग्रहों की पोजीशन 6वें स्थान में सूर्य बहुत अच्छा है। अब ये 9 सितंबर को देखिए, शुक्र सिंहस्थ है, लियो में है शुक्र, और चंद्र कुंभ राशि में 12वें स्थान में, मतलब मैंने इसको आपका केयरफुल डेट में लिखा ही है। व्हीकल में जाएंगे कहीं भी, अगर आप दूर का व्हीकल का सफर है तो खर्च होगा, हो सकता है आपके स्पाउस के लिए कुछ खर्च हो जाए, पत्नी के लिए कुछ खर्चा हो जाए, फैशनेबल चीज के पीछे 9 सितंबर को खर्च होगा, ये संभावना ज्यादा है 9 सितंबर को, तो ये तो ठीक है, ये तो होना ही है। और नेक्स्ट टाइम देखिए, अभी 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान में शुक्र भी एंटर हो रहा है, ये आपको बहुत रोमांटिक बनाने वाला है। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय, मैंने बोला भी ऐसे ही, आपका बहुत अच्छा समय आपका चल ही रहा है। 25 अक्टूबर तक तो आपका सप्तमेश भी सप्तम में, बहुत अच्छे समय में आप वैवाहिक जीवन के बेस्ट पीरियड ऑफ स्पान में आपने ये एंट्री कर दिया। अगर आपको कोई बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो ये भी बेस्ट टाइम है पार्टनरशिप में बिजनेस को करने के लिए भी। अभी आपका जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं, शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग हो या किसी और प्लानिंग हो, उसको जनवरी 2023 के पहले करिएगा, नहीं तो फिर बाद में 12वें शनि में आप खड्डे में घुसते जाएं। प्लान योर इन्वेस्टमेंट बिफोर जनवरी 2023, 16 जनवरी 2023। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। बुध का मंगल देखिए तृतीय में आया, तो भाई बहन की जवाबदारियां, घर में आप छोटे हो या बड़े हो, बहुत बार थर्ड हाउस का मार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत बार आगे आ जाना पड़ता है, ये मंगल का तृतीय स्थान का ये चीज है। 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक घर का जवाबदारी भी बहुत बार संभालना पड़ता है। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार कीजिएगा, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।